सो है गाइस, व्हाट्स एवरीबॉडी, दिस इज मी अमित सोनी एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फाइनली गाइस, तो अब मैं तारापीठ आ चुका हूँ। इससे पहले भी मैं तारापीठ आया हूँ गाइस, बट ये ट्रिप में इंक्लूड था, इसकी वजह से मैं दोबारा तारापीठ आ चुका हूँ। तो चलिए मैं माता रानी का दर्शन करता हूँ और आप लोगों को तारापीठ का मंदिर दिखाता हूँ। एंड आप देख सकते हो गाइस, इसी होटल में मैं ठहरा हूँ, होटल क्लासिक। और ये तारापीठ का रामपुरा चौक रहा। तो आया हूँ गाइस, तो माता रानी को थोड़ा प्रसाद चढ़ा लेता हूँ। यहाँ से हम लोग खरीद रहे हैं प्रसाद। तो अभी भीड़ कम है गाइस, अभी एक्चुअली टाइम हो रहे हैं 3 बज रहे हैं। आप सुबह सुबह आओगे इस मंदिर में तो बहुत ज़्यादा भीड़ रहता है, इतना भीड़ कि आपको सुबह से शाम हो जाएगा। तो अभी 3 बज रहे हैं, तो अभी भीड़ थोड़ा कम है, तो हम लोग डायरेक्ट लाइन में जा रहे हैं। एंड अगर आप लोग ऐसे सुबह आते हो तो आप लोगों को, आप देख सकते हो वहाँ से लाइन लगना पड़ेगा, वहाँ से स्टार्टिंग से, और धीरे धीरे करके बढ़ना पड़ेगा। एक्चुअली लाइन अभी भी बहुत लंबा है गाइस, आप देख सकते हो, अभी भी हम लोग को कम से कम 2 घंटा लग जाएगा माता रानी का दर्शन करने में। अभी कुछ देर पहले मेरे पीछे कोई नहीं था एंड अभी आप देख सकते हो लंबा लाइन लग रहा है। तो अब करीब करीब मंदिर के सामने आ चुके हैं गाइस एंड माता रानी का दर्शन करेंगे। तो आप इस ब्लॉग में बने रहें। पूजा पाठ मैंने अच्छे से कर लिया गाइस एंड अब देख सकते हो अभी मैं मंदिर के कैंपस में हूँ। आप अगर मंगलवार और शनिवार को यहाँ आते हो तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ रहता है गाइस, एंड अभी थोड़ा भीड़ कम है। एंड गाइस, तारापीठ के जस्ट बगल में ये मस्तान काली, आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा मस्तान काली का मंदिर। चलिए अंदर चलते और आप लोगों को दिखाते हैं। Thank you.
चलिए गाइस, मैं तारापीठ के अंदर जहाँ पे मसान काली एंड मसान जहाँ पे लाशों को जलाया जाता है, मैं आप लोगों को वो चीज़ दिखाता हूँ। मसान काली की पूजा होती है गैस, एंड आप तारापीठ आओ तो तारापीठ के ही रास्ते में मंदिर के जस्ट समथिंग 20 मीटर्स की ही दूरी में आपको ये मसान काली देखने को मिलेंगे। तो आप यहाँ आओ तो यहाँ पूजा करना बिल्कुल भी ना भूलें। एक्चुअली यहाँ का रात का सीन और भी काफ़ी डरावना होता है, आप लोग आओगे तो आप लोगों को खुद ब खुद पता चल जाएगा। एंड जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया गाइस कि मैं पहले भी तारापीठ आ चुका हूं, तो मैंने उस वीडियो में डीपली में तारापीठ के बारे में बताया था, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाके वो वीडियो देख सकते हो गाइस। तो अभी पूजा करते करते शाम हो चुका है एंड अभी 6 बज रहे हैं, तो कुछ मैंने प्रसादी भी ले लिया गाइस घर के लिए। तो मैं तारापीठ का ब्लॉग यहीं पे समाप्त करता हूँ एंड आज हम लोग का लास्ट ट्रिप था, ट्रिप का मतलब लास्ट दिन था एंड लास्ट ट्रिप ये तारापीठ ही था गाइस। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में कहीं और, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग मी एंड लव यू ऑल गाइस। एंड अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन डायरेक्ट आप तक पहुंचे। तो अगेन थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग मी एंड लव यू ऑल।